शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मालकिन को इधर उधर चलकर देखकर मेरी तो गर्दन थक गई, लेकिन इनकी टांगे बिल्कुल नहीं थकी। क्या बोल रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आ गए, थककर आ गए, थककर आ गए। मामा, मेरा बच्चा। अरे कैसे बेटा? सब ठीक रहा? कब से पलके बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे पहले पहले आरती आरती। अरे जितिशा बेटा, बता ना ऑस्ट्रेलिया का टूर कैसा रहा? पता है पूरे सारे 3 हफ्ते वहाँ हॉलिडे करके आई है हमारी बेटी। अरे मम्मा, हॉलिडे तो बहुत ही अच्छा रहा। आपको तो इनके बारे में पता ही है ना, चाहे फॉरेन कंट्री हो चाहे इंडिया, बस किसी भी चीज के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपको पता है हमारे होटल रूम का बाथरूम इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि मैं बताऊं कि कितना सुंदर था, है ना इमेश? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हमने ना वहां जाते ही एक लिमोजीन हायर कर ली थी। नो स्ट्रेस ऑफ बसेस टैक्सीज, और वैसे भी हम रेगुलर इंडियन टूरिस्ट थोड़ी ना है। यू नो दादाजी, इतना एंजॉय किया कि बस। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अरे हॉलीडेज में तो जाना ही चाहिए। आप सब बातें कीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे भाभी, ये चाय नहीं पीते, कॉफी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, ये गुनगुने पानी में आधे नींबू का रस पीते हैं। लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, उसमें बीज नहीं आना चाहिए। और 1/2 टीस्पून हनी, 2 कुटी हुई काली मिर्च और 10 मोटी सौंफ होनी चाहिए। जरा देखिएगा, ये सब प्रोपोर्शन में हूँ, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे, पिएंगे ही नहीं। और सुनिए, मैं चाय ले लूंगी, लेकिन ग्रीन टी, हाँ, और वो मिनरल वाटर से बनी होनी चाहिए। एक्चुअली ग्रीन टी डिटॉक्सिफाई करती है, स्किन का ध्यान रखने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। तभी तो इसका स्किन कितना ग्लो करता रहता है ना भाभी? अरे सौम्या, सौम्या बेटा देखो तो, हिमेश जी और जितिशा आए। हाय जितिशा। हेलो। दादाजी, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, जाओ। लेकिन मैं मोटी हूँ, आती नहीं है। मम्मा, इतने सारे मैले कपड़े हैं, सब मुझे ही घर पे धुलवाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं हो सकता यहाँ धुल जाए। मेरा बच्चा, देखना तेरे कपड़े धुलेंगे भी, प्रेस भी होंगे, फिर तुझे मिलेंगे। रुक, अब परी बेटा, परी। जी चाची जी। बेटा वो मैं क्या कह रही थी कि जितिशा के कपड़े जरा गंदे हैं तो उन्हें धुलवा दो प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाची जी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। कौन से धुलवाने? देखिए ब्रांडेड है, गिरे नहीं, थोड़ा ध्यान से धुलवाइएगा प्लीज। हाँ, अरे भाभी ये थैंक
गुड मॉर्निंग समीर बाबा. ये समीर बाबा क्या लगा रखा है? घर समझ रखा है? ये ऑफिस है और मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो कॉल मी सर. यू अंडरस्टैंड? जी सर, आई एम सॉरी. अच्छा, मैंने वो वर्मा वर्मा के कोटेशन दिए थे, वो मेल क्यों नहीं अब तक? जी बस और 10 मिनट में हो जाएंगे. मैंने कोटेशन टाइप करने के लिए दिए हैं. टाइप करने के लिए दिया है? उंगलियां काम नहीं कर रही, खुद टाइप नहीं कर सकते हो? जी दरअसल मुझे कंप्यूटर पर काम करना नहीं आता. What rubbish? कंप्यूटर पर काम करना नहीं आता? Oh, amazing. I can't believe this. ये हो क्या गया इस ऑफिस को? कैसे इनकॉम्पिटेंट जाहिल लोगों को भर्ती कर रखा है यहाँ? ऐसे लोग इस कंपनी के लिए असेट कम लाइबिलिटी ज्यादा है. तो तुम जैसे आउटडेटेड लोगों को तो यहां से कब से निकाल देना चाहिए था. पीपल लाइक यू आर नथिंग एल्स बट डिस्गस्टिंगली स्लो एंड इनएफिशिएंट. तमीज से बात करो समीर. तुम जानते हो मिस्टर शर्मा उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं? He is one of the senior most staff in our office. ये कोई तरीका है उनसे बात करने का? You know, ये एक ऑफिस है. हमें यहाँ स्मार्ट यंग एफिशिएंट लोगों की जरूरत है, किसी ओल्ड एज होम में भर्ती होने वाले लोगों की नहीं. अरे कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता, क्या खाक काम करेंगे? तुम्हें क्या लगता है जिस इंसान को कंप्यूटर आता है वही काम कर सकता है? मिस्टर शर्मा की इंटेलिजेंस, उनकी ऑनेस्टी, उनकी डेडिकेशन, उनकी एफिशिएंसी के बारे में इस ऑफिस में मिसाल दी जाती है. लास्ट टाइम जब तुम्हारे ये सारे कंप्यूटर्स डाउन हो गए थे, जब ये सारे कंप्यूटर्स क्रैश हो गए थे, तो मिस्टर शर्मा ने अकेले सिंगल हैंडली यहाँ का सारा काम खत्म किया. एक बात याद रखना सर, हम लोगों ने इस कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने हमें नहीं. रिमेंबर दैट. थैंक्स भाभी, आप तो बहुत अच्छी हैं. मैंने एक बार क्या कहा कि मुझे चीकू का हलवा पसंद है, आपने तो तुरंत बना दिया. अरे हमारी परी तो है ही इतनी अच्छी, सबका कितना ख्याल रखती है, और वैसे भी सुबह से कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ. हिमेश जी और तुम्हारा कितना ध्यान रख रही है. अरे तुम्हें कुछ और भी खाना हो तो बता देना अपनी परी भाभी को. लेकिन तुम्हें पता है परी, चीतिशा भी बहुत अच्छी कुक है. अरे भावनगर में पूरे एक साल उसने कुकरी क्लासेस लिए. वो क्या नाम था उसका? वो मनोरमा कुकिंग क्लासेस. हाँ, इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाती थी, है ना चीतिशा? परी भाभी एक कुकिंग टिप है, आगे से आप हलवा बनाए ना तो इलायची थोड़ी सी कम डालिए. इलायची ज्यादा हो गई है? बुरा नहीं है, खा लेंगे. वैसे भाभी खाना पीना तो चलता रहेगा, लेकिन मेरा पेटी खुलने का नेग अभी बाकी है. अरे ननद हूं ना आपकी, क्या हुआ अगर आपकी शादी में नहीं आई तो? नेग तो मुझे मिलना ही चाहिए ना, हक बनता है मेरा. हाँ हक तो बनता ही है आपको. अपने भाभी से जो मांगना मांग लीजिए. सोच लीजिए, कुछ भी मांग लो आप दे देंगी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? चलिए मैं आपको अपना सामान दिखा देती हूँ. अरे अरे सामान दिखाने की जरूरत नहीं है, ये नेक का काम यही खत्म कर लेते हैं. भाभी वो मुझे आपका नेकलेस दे दीजिए. ये तो तानीमा ने मुझे दिया था. ये नेकलेस? ननद हूं ना मैं आपकी, हक बनता है मेरा. लाइए मेरा नेक.
माँ देखो कैसा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि क्या बताऊं कि कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल मिस यूनिवर्स लग रही है। उस परी में तो बिल्कुल जच नहीं रहा था। हाँ हाँ हमेशा सबको यही लगता है कि दूसरों की चीज उन पर ज्यादा जचती है ना निर्मला? देखो तुम, सही कहा तुमने, ये हार तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है ना? चितिशा बेटा, तुम सौम्य की शादी में क्यों नहीं आई? आना चाहिए था ना। अब देखो ना, भाभी तो नहीं नहीं है ना घर में, क्या सोचेंगी वो कि उनकी ननंद को शादी का नेक लेना तो याद रहा लेकिन शादी का तोहफा देना भूल गई। वो ताई जी एक्चुअली भूली नहीं थी मैं, मम्मा मैंने ऑस्ट्रेलिया में सबके लिए गिफ्ट्स खरीदे थे और परी भाभी के लिए तो स्पेशल गिफ्ट्स खरीदे थे, वो मेकअप किट और परफ्यूम्स नाइट वेयर, पर पता है वो एयरपोर्ट पे ना मेरा गिफ्ट्स वाला बैग चोरी हो गया। इसका तो रो रो के बुरा हाल था, दामाद जी बता रहे थे इतना रो रही थी कि क्या बताएं कि कितना रो रही थी, कितना टाइम और कितने सारे पैसे लगा के सबकी पसंद के एक एक गिफ्ट इसने चूज किए थे। मैंने तो इसे कितना कहा कि तू बता दे सबको कि बैग चोरी हो गया, लेकिन कहने लगी नहीं सबका मन दुखेगा, सबको कितना बुरा लगेगा, इसलिए हाउ सैड। लेकिन कितनी अजीब बात है ना निर्मला कि बाकी सारा सामान तो आ गया, सिर्फ गिफ्ट्स वाला बैग ही खो गया। वो क्या है ना, जब जेब में पैसे और क्रेडिट कार्ड्स हो ना तो कोई भी चीज कभी भी ली जा सकती है, फिर चाहे मुंबई हो या कोई और शहर, बस देने की नीयत होनी चाहिए, है ना निर्मला? अभी मेडिसिन जल्दी ले आइए, इट्स अर्जेंट। मैं भी लेके आता हूँ। देखिए आप लोगों को इनके लिए कुछ जरूरी प्रिकॉशंस लेनी होगी, नहीं तो इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए पापा के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, मैं पापा का ख्याल रखूंगी। इन्हें एंटीबायोटिक्स का कोर्स देना होगा, विच इज वेरी नेसेसरी। अपने पापा का ख्याल रखने के लिए मुझे किसी और की मदद की जरूरत है। इसका 250 mg रह गया, 350। पर बुआ जी एक मिनट, मेरे सामने पर वर किंतु परंतु मत करना। अरे मेरी रक्षा भाभी तो वक्त से पहले ही स्वर्ग से धार गई,
लेकिन मैं अपने भैया पर तेरा मनहूस साया बिल्कुल नहीं पड़ने दूंगी। चल दफा हो यहां से। अरे तुझसे तो दुश्मन भले, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, निकल यहां से। चल तू अच्छी पर मैं तो हां नहीं तो मेरी बात चल जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि तुम डाइवर्सिफिकेशन का सोच रहे हो। वैसे भी आज के जमाने में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है बेटा। अब इसके लिए तुम्हें नई यूनिट लगानी होगी, तो लगभग 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो होगा ही। 20 करोड़ दादाजी, आजकल 20 करोड़ में क्या होता है? और वैसे भी मुझे कॉम्प्रोमाइज करने की आदत नहीं है। अब नई यूनिट लगानी है तो आई थिंक कम से कम 50 करोड़ रुपए की तो इन्वेस्टमेंट होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। वैसे अपने बच्चों के साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। बेटा मेहनत करोगे तो कामयाबी कदम चूमेगी ही। कामयाबी तो मिलेगी ही दादाजी, क्योंकि मैं वैसे भी ऐसे काम में हाथ ही नहीं डालता जिसमें कामयाबी ना मिले। हाँ बाऊजी, आपको पता है दामाद जी तो करोड़ों में एक है, और जब से जीसी साहब के साथ। अरे सौम्या बेटा, आओ ना थोड़ी देर हमारे साथ भी तो बैठो। हाँ हाँ सौम्या आओ ना, देखो दामाद जी बिजनेस के बारे में इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं कि क्या बताएं। तुम भी कुछ सीख लो। दामाद जी आप क्या कह रहे थे, वो डाइवर्सिफाई? हाँ। अरे पूरे 50 करोड़ का प्लान लगा रहे। हाँ हमारी बहू आ गई है। हेलो भाई, इसके हाथों में जादू है, जादू। नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। थोड़ा सा तो लीजिए। नहीं नहीं मैं वैसे लेता नहीं हूँ। थोड़ा सा सिर्फ टेस्ट कर लीजिए। नहीं 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 प्लीज 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 थोड़ा सा। परी जब इनका मन नहीं है तो फोर्स क्यों कर रही है? बेटा वो फोर्स नहीं कर रही है, दामाद जी का मनुहार कर रही है। अब देखिए ना, अब भाभी मनुहार नहीं करेगी तो और कौन करेगा? जब ये मेरे मायके जाते हैं ना बाबूजी, तब मेरी भाभी इनकी इतनी मनुहार करती है, इतनी मनुहार करती है, इतनी मनुहार करती है कि क्या बताऊं कि कितनी मनुहार करती है। क्या? हाँ, करती है। मनुहार करती है। अच्छा एपेटाइजर समझ के ले लीजिए प्लीज। ओके।